हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आई वैकेंसी, स्टाफ नर्स और क्लर्क के भर्ती के रीओपन होने के फॉर्म के भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जो इसकी वैकेंसी 2019 में आई थी उसका फॉर्म एक बार फिर से रीओपन हो चुका है, तो मैंने सोचा आपको इसके लिए एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं HSSC स्टाफ नर्स क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 रीओपन। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म है रीओपन हुआ है। जॉब लोकेशन यानी कि इसमें चयन होने के बाद जो आपकी पोस्टिंग होगी वो हरियाणा में होगी। पोस्ट नेम की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी अटेंडेंस है, फार्मासिस्ट, हेल्थ विजिटर, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सुपरवाइजर, क्लर्क, तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे आप सभी पोस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुल वैकेंसी की इसमें, तो टोटल वैकेंसी इसमें 4322 पदों पर निकाली गई थी। दोस्तों, अगर हम बात कर लें इसकी एज लिमिट की यानी कि जो इसमें उम्र सीमा रखी गई है उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज 17 साल और मैक्सिमम एज 45 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल तथा OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों, बात करें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की यानी कि जो चयन की प्रक्रिया होगी उसके बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें आपका चयन रिटर्न एग्जाम, सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के आधार पर किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2020 से और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 3 मार्च 2020 होगी। यानी कि दोस्तों 27 जनवरी से लेकर 3 मार्च के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप इसके एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी 6 मार्च 2020 तक कर सकते हैं। बात करें हम इसके एप्लीकेशन फीस की यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको आवेदन शुल्क देना होगा उसके बारे में, तो दोस्तों इसमें जनरल के लिए ₹150 का शुल्क होगा, जनरल गर्ल्स के लिए ₹75 का शुल्क देना होगा, EWS के लिए ₹150 का शुल्क होगा, OBC के लिए ₹150 का शुल्क होगा, OBC गर्ल्स के लिए ₹75 का शुल्क देना होगा, SC के लिए ₹35 का शुल्क होगा तथा SC गर्ल्स के लिए ₹18 का शुल्क देना होगा, ST के लिए ₹35 तथा ST गर्ल्स के लिए ₹18 का शुल्क देना होगा। और दोस्तों, इसके फीस का भुगतान आप नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात कर लें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए मैट्रिक विद साइंस डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इसमें 10+2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए और साथ ही 1 ईयर लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर दोस्तों 10वीं क्लास के साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा हो तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंस की, तो इसमें मैट्रिक विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए और दोस्तों इसमें हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में 10वीं क्लास में होना चाहिए। बात करें MPHWF के लिए, तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और साथ ही NM का कोर्स भी होना चाहिए। फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 10+2 इंटरमीडिएट यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए और साथ ही फार्मेसी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। बात करें हम रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की, तो इसके लिए 10वीं क्लास में साइंस होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ ही यहाँ पर रेडियोग्राफर डिप्लोमा फ्रॉम मेडिकल कॉलेज से होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हिंदी और संस्कृत में से कोई एक विषय 10वीं क्लास में होना चाहिए। हेल्थ विजिटर की अगर हम बात करें तो इसमें मैट्रिक विथ साइंस होना चाहिए,
फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिफाइड ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और साथ ही यहाँ पे हिंदी और संस्कृत में से कोई एक भी से 10वीं क्लास में होना अनिवार्य है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए प्री मेडिकल या फिर इसके समकक्ष 40% मार्क के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए 10वीं क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए और साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का कोर्स भी होना चाहिए। और 10वीं क्लास में एक विषय के रूप में हिंदी और संस्कृत का भी होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर हम बात कर लें स्टाफ नर्स की तो इसके लिए बीएससी हॉनर्स बीएससी पोस्ट बेसिस नर्सिंग होना चाहिए और साथ ही डिप्लोमा इन नर्स जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं क्लास में भी आपके हिंदी और संस्कृत एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। बात करें हम वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट की तो इसके लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए और 10वीं क्लास में हिंदी और संस्कृत भी एक सब्जेक्ट के रूप में होना अनिवार्य है। सुपरवाइजर फीमेल की अगर हम बात करें तो इसके लिए 10वीं क्लास पास होना चाहिए और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं 11 मंथ ट्रेनिंग एज बाल सेविका होना चाहिए और एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी और संस्कृत का भी होना अनिवार्य है 10वीं क्लास में। या फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं क्लास और 10th वर्ष का एक्सपीरियंस आंगनवाड़ी वर्कर में होना चाहिए। सुपरवाइजर फीमेल की बात करें तो इसके लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख दोस्तों उन्हें जो होम साइंस से की है ग्रेजुएशन उन्हें इसमें वरीयता दी जाएगी और 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत एक विषय के रूप में भी होना अनिवार्य है। जूनियर सिस्टम इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और इसके लिए भी दोस्तों 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में मैट्रिकुलेशन में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए 10वीं क्लास या इससे अधिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी या फिर संस्कृत होना अनिवार्य है। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ऑर्गेनाइजर की तो इसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका पूरा क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विथ 60% मार्क के साथ होना चाहिए जनरल के लिए तथा 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST के लिए और 10वीं क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में आपके हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट भी होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करें सब इंस्पेक्टर जनरल की तो इसके लिए 10-12वीं क्लास पास होना चाहिए और 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत एक विषय रूप में होना अनिवार्य है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप एज लिमिट की अगर हम बात करें यानी कि जो इसमें उम्र सीमा रखी गई है उसके बारे में तो इसमें देख सकते हैं 28 जुलाई 2019 के गणना के आधार पर मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 45 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है जिसमें OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फीस डिटेल जो है यहाँ पे आप उसके बारे में सारी जानकारी चेक कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये पोस्ट कोड है तो उसी के आधार पे यहाँ पे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। बात करें हम इसके वैकेंसी डिटेल्स की तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए 29 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीसियन के लिए 307 वैकेंसी है जिसमें जनरल के लिए 133, BCA के लिए 49, BCB के लिए 33, EWS के लिए 31 और SC के लिए 61 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कुल 28 वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स भी चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसमें स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको केवल टोटल पद के बारे में बताऊँगा और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं MPSW के लिए टोटल 556 पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए 92 पोस्ट है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के लिए 197 पोस्ट है, TV हेल्थ विजिटर के लिए टोटल 8 पोस्ट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 66 पोस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 100 पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए 1584 पोस्ट,
वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 546 पोस्ट है, सुपरवाइजर फीमेल के लिए टोटल 19 पोस्ट है, सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट के लिए टोटल 57 पोस्ट है, जूनियर सिस्टम इंजीनियर के लिए टोटल 126 पोस्ट है, क्लर्क के लिए 23 पोस्ट है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के लिए 77 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए टोटल 42 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 409 पद पर वैकेंसी निकाली गई है, स्टाफ नर्स एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर में टोटल 24 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप सभी पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो आवेदन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और चालान की कॉपीज में आपको अटैच करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा रिटर्न एग्ज़ाम होगा 40 नंबर के लिए और इसमें सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसे रीओपन करने के लिए मैं आपको इसे स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।